देश की आज़ादी में अनेक व्यक्तित्वों का, अनेक संस्थाओं का बड़ा योगदान रहा, जिसमें सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज, क्रांतिकारी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया आंदोलन प्रमुख है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुयायियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उनका आंदोलन सत्याग्रह, अहिंसा, आमरण अनशन आदि के माध्यम से किया गया। उनके आंदोलन में वे स्वयं तो सक्रिय रहे ही, उनका परिवार भी सक्रिय रहा। उनके परिवार में देखें तो वे, उनकी पत्नी और चार बच्चे थे। स्वयं गांधी जी देश की आज़ादी के लिए 11 बार जेल गए। अगर दिनों की संख्या करें तो यह 2079 दिन होते हैं। अफ्रीका में भी वे 8 बार जेल गए, जो दिनों की संख्या में 249 दिन होते हैं। गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी भी अनेक बार जेल गई, अफ्रीका में 2 बार जेल गई। अफ्रीका के आंदोलन का मुख्य कारण वहाँ की सरकार द्वारा जो विवाह है उसे अवैध घोषित कर दिया गया, इसके कारण वह आंदोलन हुआ था। भारत में भी सन 1930 से 1933 तक वे कई बार जेल गई, यहाँ तक कि भारत जोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ उसमें वे जेल गई और उनका निधन भी जेल के अंदर हुआ। गांधी जी के प्रथम पुत्र हरिलाल गांधी अफ्रीका में 7 बार जेल में गए। भारत में आने के बाद में भी वे 1920 में जो असहयोग आंदोलन हुआ उसमें जेल गए। अफ्रीका में तो उन्हें छोटे गांधी कहा जाता था। गांधी जी के दूसरे पुत्र मणिलाल गांधी भारत में आए, ज़्यादातर अफ्रीका में रहते थे। असहयोग आंदोलन के बाद में जो 1930-31 में नमक सत्याग्रह हुआ उसमें उन्होंने भाग लिया। गढ़साना में जो नमक गोदाम के बाहर असहयोग आंदोलन हुआ उसमें उन्हें गिरफ्तार किया गया। वे 15 माह तक जेल के अंदर रहे। रामदास गांधी तो जेल में रहते हुए बीमार हो गए, गंभीर बीमारी से ग्रस्त रहे। महात्मा गांधी के चौथे पुत्र देवदास गांधी मात्र 23 वर्ष की उम्र में देश की आज़ादी के लिए उन्हें 1922 में गिरफ्तार किया गया। इस तरह से हम देखते हैं कि महात्मा गांधी का परिवार देश की आज़ादी के लिए जेल गया। हो सकता है इतिहास में ऐसे और भी बहुत सारे परिवार हो जिनके सदस्य, सारे सदस्य, बड़ी संख्या में सदस्य जेल में गए हो, लेकिन मेरे पास में जानकारी नहीं है। महात्मा गांधी का, उनके परिवार का यह योगदान देश के लिए अमूल्य।